नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, तब से ही दिल्ली में जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुका है। दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी से विश्वास थोड़ा थोड़ा उठने लग गया है, लेकिन अभी भी दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एक होप लगाकर बैठी है, एक आस लगाकर बैठी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिल्ली में एक बार फिर से संभल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिल्ली में कैसे संभलेगा, और वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो अपने चरम पर बढ़ रखी है। यानी अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। दिन ब दिन, हर एक दिन, हर कुछ समय के बाद लगातार उनकी सुनवाई हो रही है। एक तरह से हाईकोर्ट ने जब उनकी सुनवाई को एक तरह से कहें तो उनकी उनकी सुनवाई पर ठप्पा लगा दिया था, तो ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात का कहीं ना कहीं कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है कि 7 मई को अब जब अरविंद केजरीवाल की अगली सुनवाई, अगली पेशी होगी तो उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं विचार विमर्श कर सकता है। अगर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव प्रचार इस वक्त दिल्ली में थम रखा है, यानी दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी की जो रैलियां हैं, एक तरह से कहें तो रुक सी रखी हैं, वो रुकी हुई रैलियां, आम आदमी पार्टी का थमा हुआ चुनाव प्रचार एक बार फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब अरविंद केजरीवाल, अगर उनको 7 मई को जमानत मिलती है, यानी अंतरिम जमानत मिलती है। फिलहाल अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती के रूप में यह सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं ईडी के सामने तमाम सवालों के ढेर एक जो कहते हैं वो रखे हुए हैं। ईडी से सुप्रीम कोर्ट तमाम सवाल पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट का सवाल ईडी को, कई सवाल ईडी को ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तब क्यों हिरासत में लिया जब चुनाव इतने नजदीक थे। दूसरा जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है वो ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो डायबिटीज पेशेंट है तो आखिर उनकी इतनी तबीयत जो है वो जेल में क्यों खराब हो रही है। तो जो तमाम सवाल हैं, जिस तरह के सवाल और जिस तरह के कयास इस वक्त अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबरों में लगाए जा रहे हैं, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि अगर अरविंद केजरीवाल 7 मई को बाहर आते हैं, अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो कई मुद्दों पर वो बाहर आएंगे। पहला मुद्दा उनका स्वास्थ्य को लेकर होगा, दूसरा मुद्दा चुनाव को लेकर होगा, यानी मतदान को लेकर होगा, क्योंकि दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं और मतदान से पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अपना वर्चस्व संभालना होगा। अगर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व संभाल लेती है, आम आदमी पार्टी एक तरह से कहे तो जमीनी स्तर पर वापस से आ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वापसी कर सकते हैं, यानी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि ईडी के सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों का आखिर ईडी कैसे सामना करती है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।